पिछले एक साल में अगर मेरे लिए कोई बेस्ट चीज़ हुई है तो रूपी हुई है, और दो बातें हैं इसमें। पहली बात कि आई हैव गिवन माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स द शो फॉर कंसेक्यूटिव 10 months 26 days 13 hours इन अ डे। तो ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है। अच्छा स्क्रीन स्पेस था, प्राइम टाइम टेंशनल था, और लास्ट बट नॉट लीस्ट नो एक्टर और नो कैरेक्टर इज अबव स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट होती है वही शो का हीरो होता है। आई एम थैंकफुल यार, वो थैंकफुल के अलावा कोई शब्द बचता ही नहीं है। इसके अलावा तो मैं कुछ कर सकता नहीं। हाँ, इसके अलावा एक काम और कर सकता हूँ कि अब तक जो मैंने मेहनत से काम किया है तो उस मेहनत में मैं डबल स्पीड से काम करूँगा। और क्या बस चुनाव का टाइम सफर। विशेष तो मैं उनसे ली जाए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं। आई एम स्टिल अ बैचलर, तो मैं क्या विश दूंगा, बस ये कहूँगा कि हैप्पी मैरिड लाइफ। और शरद और मेरा जो सेट है बहुत ही आसपास है, तो हम लोग अक्सर लंच में मिलते हैं और आगे की ज़िंदगी के बारे में यानी कि शादी के बारे में काफ़ी डिस्कशन करते हैं और सोचते हैं समझते हैं। कुछ बातें हैं जो दोस्तों के बीच में होती है, उनको मैं यहाँ क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, प्लानिंग करना लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और सही चीज़ सही टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। मैं रेडी रहता हूँ, मुझे गाने की चिंता नहीं होती है। मुझे बस अपने वाले मिलना चाहिए, अपना मनपसंद म्यूजिक मिलना चाहिए, बस अपन रेडी हैं। बस सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, मस्ती में रहें, आनंद में रहें और खुशियों में रहें। सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है ना, जब खुशी के मौके होते हैं तो प्लानिंग से कभी नहीं होते है। अभी आपसे पूछूंगा कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ प्लानिंग से हुई है क्या, तो कभी कोई चीज़ प्लानिंग से होती नहीं है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो जैसी आए उसको वैसे जिए और वैसे उसको उसका मस्ती से आनंद उठाएँ। ये मेरे फादर हैं तो वो बोलते बड़े कि मेरे सूट वूट थोड़ा बाद में पहनना, पहले आज इंडियन पहन के जा, तो पजामा कुर्ता गर्मी का टाइम भी चल रहा है, तो आ गए यार सगाई का है शायद। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अभी आप मेरे को ऐसा कह सकते हैं कि मैं क्रिकेट लवर नहीं हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट लवर हूँ, लेकिन समय की कमी के चलते मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता आईपीएल देखने का। मेरे फादर काफ़ी उसमें व्यस्त रहते हैं, लेकिन आई लीव बाय लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग, आई केम लेट, और उसके बाद फिर सीधे मुझे बेड पर जाना होता है क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो आईपीएल का तो फीवर मतलब मेरे घर में सिर्फ मेरे फादर ही उठा पा रहे हैं, मतलब मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, उसमें नॉलेज ही नहीं है। ओके बहुत खुश हूँ एंड डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी शरद को एंड मे दे बोथ हैव अ वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ। मेरी तरफ से नहीं, मैं आई हूँ यहाँ यू नो उनकी खुशी में शामिल होने एंड डेफिनेटली अगर मौका मिला तो ज़रूर कुछ पेश करूँगी अपनी तरफ से। थैंक यू। बस शूट से आई हूँ एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू वेयर समथिंग इंडो वेस्टर्न, सो बिकॉज इट्स अ कॉकटेल पार्टी एज वेल, सो दैट्स वाई आई जस्ट ड्रेस्ड अप इन अ नाइस डीप ब्लू। आपकी
it's a supernatural show, Sitara. So I'm glad people are liking it, and thank you very much. मेरे डैड फॉलो करते हैं सो मुझे सिर्फ ये पता चलता है कि आज कौन सी टीम जीती है और कौन सी नहीं. सो आई कांट सिट एंड वॉच बिकॉज बाय टाइम मैं पूरा दिन शूट करती हूँ, तो मैं सिर्फ जब क्लाइमैक्स होता है और जीतने वाली कोई टीम होती है मैं तब पहुँचती हूँ. आई लाइक ऑफकोर्स धोनी एंड पोलार्ड सो एंड गेल. या आई लाइक happy for them and very happy that Nagatri is also doing well. So it's all going good, yeah. Happy for everyone. Thank you. I don't know. अभी तो फिलहाल मैं कलर्स का ही दूसरा शो कर रही हूँ. So I don't think so. That's not going to happen, I think. Thank you, everyone. Thank you so much. मैडम इधर टालो ना. चलो लेट्स स्टार्ट. या ओके रोज हाय आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. मैंने कभी सोचा नहीं था कि शरद की शादी में भी आना होगा बिकॉज यू नो द वे ही इज एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज टेकन द स्टेप इन हिज लाइफ एंड आई कांट वेट टू सी हिम एंड मीट हिम एंड आई रियली वॉन्ट टू गिव हिम अ गुड झप्पी एंड जस्ट गिव हिम ऑल माई बेस्ट. आई थिंक आई डोंट नो इम्प्रॉम्प्टू होगा सब कुछ अगर हुआ तो. गाना चाहे आप गलत इंसान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वहाँ इतना दूर बैकग्राउंड अच्छा. थैंक यू वेरी मच. ये आई एम वेरिंग जेसिका वोहरा. आई एम नॉट इवन श्योर हु आई एम वेरिंग. आई एम सो सॉरी बट सुगंधा हैज स्टाइल्ड मी सो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. जी नहीं मैं कुछ फॉलो नहीं करती. मैं बिल्कुल बेस्ट विशेज देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि कसम वन जितना सक्सेसफुल था उसे भी कहीं ज़्यादा हिट सीजन टू हो अगर वो आ रहा है तो. ऐसा नहीं है. मैं मिल के आऊँ. पिछले एक साल में अगर मेरे लिए कोई बेस्ट चीज़ हुई है तो रूपी हुई है. और दो बातें हैं इसमें. पहली बात कि आई हैव गिवन माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स द शो फॉर कंसेक्यूटिव 10 मंथ्स 26 डेज 13 आवर्स इन अ डे. तो ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है. अच्छा स्क्रीन स्पेस था, प्राइम टाइम टेन चैनल था. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नो एक्टर और नो कैरेक्टर इज अबव स्क्रिप्ट. जो स्क्रिप्ट होती है वही शो का हीरो होता है. आई एम थैंकफुल यार. वो थैंकफुल के अलावा कोई शब्द बचता ही नहीं है. इसके अलावा तो मैं कुछ कर सकता नहीं. हाँ इसके अलावा एक काम और कर सकता हूँ कि अब तक जो मैंने मेहनत से काम किया है तो उस मेहनत में मैं डबल स्पीड से काम करूँगा. और क्या पिछले एक साल में अगर मेरे लिए कोई बेस्ट चीज़ हुई है तो रूपी हुई है. और दो बातें हैं इसमें. पहली बात कि आई हैव गिवन माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स द शो फॉर कंसेक्यूटिव 10 मंथ्स 26 डेज 13 आवर्स इन अ डे.
तो ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है. अच्छा स्क्रीन स्पेस था, प्राइम टाइम टाइम चैनल था, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो एक्टर और नो कैरेक्टर इज अबव स्क्रिप्ट. जो स्क्रिप्ट होती है वही शो का हीरो होता है. आई एम थैंकफुल यार, वो थैंकफुल के अलावा कोई शब्द बचता ही नहीं है. इसके अलावा तो मैं कुछ कर सकता नहीं. हाँ, इसके अलावा एक काम और कर सकता हूँ कि अब तक जो मैंने मेहनत से काम किया है तो उस मेहनत में मैं डबल स्पीड से काम करूँगा. और क्या. Yes, sir.